उत्तर प्रदेश के लखनऊ की प्रसिद्ध एडवोकेट हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री 3 दिन के प्रवास पर धार पहुंची, जहां उन्होंने भूशाला में एएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वे को देखा। भूशाला से बाहर आने पर अपने पत्रकारों से आपने चर्चा करते हुए कहा कि धार की भूशाला का सर्वे भी श्रीराम जन्मभूमि व ज्ञानवापी की तर्ज पर ही हो रहा है। यहाँ भी एएसआई की वही टीम उच्च न्यायालय के दिए निर्देशों के तहत सर्वे कर रही है। भूशाला के अंदर मैपिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि कार्य सर्वे टीम द्वारा निरंतर किया जा रहा है। आज हमने भी देखा कि सर्वे टीम न्यायालय के आदेश के तहत ही भूशाला में कलियों ब्रशिंग कर रही है। इसके अलावा जो वस्तुएं मिल रही हैं उन्हें एकत्रित कर रही है। भूशाला में जो पहले था वही आज भी दिखाई देता है और हमने उसी को देखते हुए मुकदमा दायर किया है। एएसआई की वही टीम यहाँ भी साइंटिफिक तरीके से सर्वे कर रही है। इनका सर्वे करने का तरीका काफ़ी स्लो होता है, इसकी वजह से इसमें टाइम भी लग सकता है। एएसआई एक स्वतंत्र संस्था है और उनके कार्यों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। न्यायालय के समक्ष दावी आपत्ति के बीच एएसआई का सर्वे महत्वपूर्ण होता है। न्यायालय में एएसआई की रिपोर्ट महत्वपूर्ण एविडेंस एक्ट के तहत होता है। इसके आधार पर माननीय न्यायालय विचार करता है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने पत्रकारों के बीच स्थानीय गणमान्य नागरिकों और गौशाला मुक्ति अभियान में संघर्षरत पंडित गोपाल शर्मा, आशीष गोयल सहित सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। तो मध्य प्रदेश के धार जिले के सभी गणमान्य व्यक्तियों को हमारा सादर अभिवादन और बहुत बहुत आभार, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व जब मैं और मेरी टीम, मेरे टीम लीडर श्री हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, कुलदीप तिवारी जी, हमारे गोपाल भैया, आशीष गोयल जी, आशीष जनक जी, हमारे सुनील भैया, सब लोग आए और सब लोगों ने ये विचार बनाया कि हम लोगों को कैसे यहाँ कलेक्टिव रूप से काम करना है। तो पूरे धार के प्रत्येक व्यक्ति ने हम लोगों का सहयोग दिया। अगर इन्होंने सहयोग दिया नहीं होता तो ये मुकदमा ना हम तैयार कर पाते, ना ही हम न्यायालय के समक्ष हम दायर कर पाते। अब रह गई बात, आज हम आए हैं 11:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं और गोपाल भैया के साथ मंदिर गए, वहाँ जा कर के देखा कि एएसआई की टीम विधिवत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विधिवत अपना कार्य कर रही है। उन्होंने क्लीनिंग की, ब्रशिंग की सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं और जो जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं उसको भी वो पैकेट बना के वहाँ पर रख रहे हैं। उन्होंने ट्रेंचेस बनाई हैं, ट्रेंचेस की लंबाई चौड़ाई क्या है वो तो जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो पता चलेगा। गौशाला अंदर होकर आइए, आप क्या देखा आपने, अभी क्या पाया गौशाला के अंदर होकर आइए, आप क्या देखा क्या पाया? देखिए, गौशाला के अंदर हम आज पहली बार नहीं गए हैं, इसके पूर्व भी कई बार जा चुके हैं। हर बार जो दिखता था वो ही आज दिखा और पूरे धारा नगरी के लोगों को जो चीज़ें भोजशाला के अंदर दिखती थी वही चीज़ें मुझे आज भी दिखी और अगर आप भी जाएंगे तो वही चीज़ें आपको दिखेंगी जिसको लेकर के हमने मुकदमा दायर किया। सर्वे में टीम ने क्या क्या किया अभी तक? सर्वे में टीम ने, मुझे लगता है उन्होंने क्लीनिंग और ब्रशिंग करी है, एक्सक्यूवेशन, कुछ पार्ट का एक्सक्यूवेशन भी शुरू किया है और जो जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं उन्होंने उसको कलेक्ट करना भी शुरू किया, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इनकी अपनी विधि होती है, इसलिए वो अपने हिसाब से धीरे धीरे वो कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ ज्ञान वापी के मामले से ही कंपेयर करें तो राम जन्मभूमि के साथ जो है अन्याय होगा, क्योंकि एएसआई की यही टीम राम जन्मभूमि के समय भी थी। उस समय 2002 में जब खुदाई होती थी तो पूरे टाइम हम वहाँ मौजूद रहते थे, ज्ञान वापी में भी विष्णु जैन रहे और हम लोग भी रहे। तो अगर हम ये देखें, ASI एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इनका इन्वेस्टिगेशन पूरा थॉरो और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जो आज चल रही है वो बनाते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, कोर्ट के साथ सामने प्रस्तुत होती है। अब तर्कों और दूसरे ऑब्जेक्शन की आपत्तियों के आधार पर कोर्ट उसको एडमिट करती है, लेकिन ASI की रिपोर्ट वैज्ञानिक रिपोर्ट है, ये एविडेंस एक्ट के तहत एक इम्पोर्टेंट साक्ष्य के रूप में ग्राह्य बांधे। पीछे खुदाई भी हो रही है, पिछले हिस्से में कुछ उत्खनन या खुदाई, मिट्टी हटा रहे हैं? वो मिट्टी हटाई जा रही है, वो उनकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कि पता लगाएं, कैसे पता लगाना है कि क्या क्या चीजें हैं, उसको खुदाई नहीं कहेंगे, उसको एक्सकवेशन कहेंगे, क्योंकि खुदाई तो फावड़े से होती है और बड़ी उसमें छोटी 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 जो उनके औजार होते हैं उससे थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा करके वो देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या है, क्योंकि लेयर को डैमेज होने से भी बचाना है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।